हे केशव, तुम्हारे कहे अनुसार यदि फल प्रारब्ध ने अपनी मर्जी से देना है तो फिर प्राणी को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? कर्म करने की आवश्यकता क्या है, ये जानने से पहले ये तो जान लो कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कैसे बनती है। हे केशव, प्रारब्ध क्या है उसे जानने में क्या मुश्किल है? ये तो सीधी सी बात है कि जो भगवान की इच्छा है वही मनुष्य का प्रारब्ध होती है। नहीं अर्जुन, नहीं, ये धारणा सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि मैं किसी के प्रारब्ध नहीं बनाता, ना मैं किसी प्राणी के कर्म अथवा कर्म फल के हिसाब में दखल देता हूं, इसलिए प्राणी की प्रारब्ध बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता। फिर कौन बनाता है प्राणियों का प्रारब्ध? प्राणियों के अपने कर्म। अर्थात? अर्थात ये कि प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल पाएगा। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राणी को इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है।